जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एक ऐसा एक्टर जिसे रुपहले पर्दे का राजकुमार कहा जाता था। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। सूरत ऐसी कि बड़े बड़े बादशाह भी फीके मालूम पड़े। जवां सितारा ए किस्मत हो आज तू आए। जी हाँ, बात हो रही है हिंदी और बांग्ला फिल्मों में स्टार कलाकार का दर्जा हासिल करने वाले प्रदीप कुमार की, जिनकी सफलता का आलम ये था कि उनकी एक साल में 10 फिल्में तक रिलीज हो रही थी। या अंधेरा हुआ उजारा, गया अंधेरा हुआ उजारा। और वो सारी सुपर हिट भी साबित हो रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर राजा की भूमिका अदा करने वाले इस अभिनेता की जिंदगी के आखिरी साल भिखारियों की तरह गुजरे। वो लकवे की मार से लाचार हो चुके थे और उनके बच्चे फिल्मी व निजी जीवन में कामयाब होने के बावजूद उनसे मिलने तक नहीं आते थे। क्या थी इसकी वजह और कौन आया फरिश्ता बनकर उनकी मदद को, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। मोहब्बत से देखा खफा हो गए हैं। बॉलीवुड में अगर किसी अभिनेता को सबसे ज्यादा राजा महाराजा, बादशाहों या अमीर नवाबों के रोल मिले हैं तो वो शख्स है प्रदीप कुमार। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कैमरा असिस्टेंट के पद से की थी, लेकिन जब वो फिल्मी पर्दे पर उतरे तो उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। पचास के दशक में उनकी फिल्मों की लोकप्रियता का आलम ये था कि अगर वो एक बार सिनेमा हॉल में लग जाती थी तो सिल्वर या गोल्डन जुबली मनाकर ही उतरती थी और उसके बाद दोबारा भी वहाँ उन्हीं की फिल्में लग जाती थी। एक चांद का टुकड़ा, एक फूल सा मुखड़ा। आज बॉलीवुड में अगर कोई अभिनेत्री एक अभिनेता के साथ दो चार फिल्मों में भी काम कर लेती है तो शायद वो निर्देशक और निर्माता के लिए बड़ी बात हो जाती है। मीडिया भी उन दोनों की रंग बिरंगी खबरों से पक जाता है। लेकिन अपने समय में प्रदीप कुमार ने अभिनेत्री मधुबाला के साथ 8 फिल्मों में और मीना कुमारी के साथ 7 फिल्मों में काम किया। ऐसे तो न देखो के बहक जाए कहीं हम। इसमें अधिकतम फिल्में सुपरहिट हुई। मधुबाला के साथ की गई फिल्मों में राज हाथ, ये चंदा ये तो छुप जाएंगे मगर मेरी नजरों से छुपना न। शिरीन फरहाद, दिल गुबा जाने वफा तेरे सिवा कौन है मेरा। गेटवे ऑफ इंडिया, यहूदी की लड़की सहित कई फिल्में शामिल है। तो वहीं मीना कुमारी के साथ उन्होंने आदिले जहांगीर, अपना ही घर लुटाने दीवाना जा रहा है। चित्रलेखा, खा गए बादल नील गगन पर। बहू बेगम, भीगी रात, दिल जो न कह सका वही राज दिल। और नूरजहां जैसी कई फिल्मों में काम किया। पश्चिम बंगाल में 4 जनवरी 1925 को ब्राह्मण परिवार में जन्मे शीतल बताब्याल उर्फ प्रदीप कुमार बचपन से ही फिल्म अभिनेता बनने का सपना देखा करते थे। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वह रंगमंच से भी जुड़े। जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले। हालांकि इस बात के लिए उनके पिता राजी नहीं थे। वर्ष 1944 में उनकी मुलाकात निर्देशक देवकी बोस से हुई, जो एक नाटक में उनके अभिनय को देखकर काफी प्रभावित हुए थे। उन्हें उस नौजवान में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने शीतल को अपनी बंगला फिल्म अलकनंदा में काम करने का मौका दिया। फिल्म अलकनंदा से शीतल नायक के रूप में अपनी पहचान बनाने में भले ही सफल नहीं हुए, लेकिन अभिनेता के रूप में उन्होंने सिने कैरियर के सफर की शुरुआत कर दी। इस बीच उन्होंने एक और बंगला फिल्म भूली नाई में अभिनय किया। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की ओर अपना रुख कर लिया। वर्ष 1949 में वो अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई आ गए
और कैमरामैन धीरेन्दे के सहायक के तौर पर काम करने लगे। वर्ष 1949 से 1952 तक वह फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। प्रदीप कुमार पर फिल्मों में काम करने का नशा कुछ इस कदर छाया हुआ था कि उन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। फिल्म अलकनंदा के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वो उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने कृष्णलीला, स्वामी विष्णुप्रिया और संध्या बिलार रूपकथा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म आनंद मठ में प्रदीप कुमार पहली बार मुख्य अभिनेता की भूमिका में दिखाई दिए। इस फिल्म की सफलता के बाद प्रदीप कुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। वर्ष 1953 में फिल्म अनारकली में उन्होंने शाहजादा सलीम की भूमिका निभाई, जो दर्शकों को काफी पसंद आई। इसके साथ ही वह ऐतिहासिक फिल्मों के लिए निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद बन गए। वर्ष 1954 में प्रदर्शित फिल्म नागिन की सफलता के बाद प्रदीप कुमार दर्शकों के चहेते कलाकार बन गए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए और इसके दो गीत बेहद लोकप्रिय हुए। पहला गीत था मी मन डोले मेरा तन डोले, मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया पड़ा, और दूसरा गीत था मेरा दिल ये पुकारे आजा। ऐसे में है तू कहां मेरा दिल ये पुकारे आजा। वर्ष 1956 प्रदीप कुमार के सिने कैरियर का सबसे अहम वर्ष साबित हुआ। इस साल उनकी 10 फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें शीरी फरहाद, हजारों रंग बदलेगा जमाना, हजारों रंग बदलेगा, जागते रहो, दुर्गेश नंदिनी, मत मारो शाम की किताई, बंधन, राजनाथ और हीर जैसी फिल्में शामिल हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने बंगला फिल्मों में भी अपने अभिनय का जौहर दिखाया। इन फिल्मों में भूली नाये, गिरदा दास मोहन, देवी चंद्रानी, राय बहादुर, संदीपन आनंद मर जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बंगला नाटकों में भी अभिनय किया। लगभग 4 दशक तक अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाले प्रदीप कुमार ने कई रोमांटिक और ऐतिहासिक फिल्मों में भी काम किया। अंगड़ा इसलिए ती है जो खुशबू भरी जुल्फे, उन्होंने पर्दे पर अधिकतर राजा महाराजा और शहंशाह की भूमिका निभाई। प्रदीप कुमार को उर्दू भाषा बोलने में महारत हासिल थी। 50 व 60 के दशक में प्रदीप कुमार के अभिनय का डंका बजता था। प्रदीप कुमार ने शोहरत तो खूब कमाई, लेकिन वो दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। शायद यही वजह रही कि उन्हें फिल्मी पर्दे पर जितना प्यार मिला, उनका निजी जीवन उतना ही दुखों से भरा रहा। उनके बच्चों ने उन्हें लकवे की हालत में भी अकेला छोड़ दिया। बच्चों के द्वारा छोड़े जाने के गम में प्रदीप कुमार अक्सर खामोश रहते थे। एक बातचीत में खुद प्रदीप कुमार ने अपने बीते दिनों को याद किया था और बताया था कि उनकी पत्नी गुजर चुकी है। उनकी तीनों बेटियों बीना, रीना, मीना और बेटा देवी प्रसाद में से कोई भी उनकी पत्नी के निधन के बाद कभी उनसे मिलने तक नहीं आया। खास बात यह है कि प्रदीप कुमार की बड़ी बेटी बीना हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स की जानी मानी कलाकार है। उनका नाम बीना बैनर्जी है और वो करीब 150 फिल्मों व टीवी धारावाहिकों में काम कर चुकी है। उन्होंने मशहूर फिल्म स्टार राखी गुलजार के पहले पति अजय बिस्वास से शादी की और कुछ ही सालों में तलाक भी ले लिया। बीना बेहद खूबसूरत और आकर्षक है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बी ग्रेड अभिनेत्रियों में ही शुमार माना जाता है। बहरहाल लकवे की हालत से जूझ रहे प्रदीप कुमार की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब बीमारी की हालत में उनके पास रहने का कोई ठिकाना तक नहीं था। उस समय कोलकाता के एक बड़े कारोबारी प्रदीप कुंडलिया ने उन्हें रामायण रोड स्थित जनक बिल्डिंग के अपने एक फ्लैट में आश्रय दिया।
प्रदीप कुंडलिया ने उनकी देखरेख के लिए सागर चौधरी नामक एक लड़के को वहां रखा हुआ था, जो दिन रात बीमारी की हालत में प्रदीप कुमार की सेवा करता था। लंबी बीमारी के बाद 27 अक्टूबर 2001 को उनका निधन हो गया। ये विडंबना ही थी कि जिन्हें लोगों ने पर्दे पर राजा महाराजा और शहंशाह के रूप में हमेशा देखा, उनका असल जीवन मुफलिसी में गुजरा। प्रदीप कुमार के बुरे दौर में भले ही उनके अपने बच्चों ने उनका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन कोलकाता में उनकी देखभाल करने वाले सागर चौधरी ने उनके निधन के बाद भी उनका साथ नहीं छोड़ा। सागर चौधरी कोलकाता के पार्क सेंटर के एक दफ्तर में नौकरी करते हैं। इसके अलावा वो दफ्तर से छूटने के बाद वह कहीं साफ सफाई का काम करते हैं, ताकि उसकी कमाई से 4 जनवरी को वो धूमधाम से हर साल अपने प्रदीप पापा का जन्मदिन मना सके। सागर के जीवन में बस प्रदीप कुमार की यादें हैं। सागर उन्हें प्यार से प्रदीप पापा बुलाया करते थे। हर साल बड़े ही प्यार से वो उनका जन्मदिन मनाते हैं। कोलकाता में बहुत से लोग उन्हें सन की भी समझते हैं, लेकिन सागर किसी की परवाह किए बिना प्रदीप कुमार की यादों को जिंदा रखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी हो तो वह भी बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त होस्ट अभिषेक आनंद को इजाजत। नमस्कार।